मैं लास्ट में आपको ये पार्ट पे लेके आना चाहूँगा, लाइक गेट एग्ज़ाम या फिर कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड ही है फाइनली। जैसे IITs हो गए, ISC हो गए, या फिर अलग प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स भी हो गए, IIITs, टॉप NITs। एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं वो कंपेरेटिवली काफ़ी लार्ज या फिर ह्यूज नंबर में है। मतलब बहुत सारे लोग को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी शायद से मिलेगा नहीं, मतलब वो शायद से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं एफर्ट डालने के बाद भी। तो उन्हें किस तरह से देखना चाहिए इन एग्ज़ाम्स को, ताकि वो जब भी वो सक्सेस या फिर फेलियर जो भी एक्सपीरियंस करे आगे जाके, ये कैसा हेल्पफुल भी होगा लाइफ में आगे। No exam is a statement on anybody. I might fail in an exam or not qualify because I had some issue the night before. I was not well or something happened. To some kuch kuch ho gaya mera exam hall mein. So the problem is that this is what is resource crunch because we have limited resource on these things and there are too many people who are wanting that. And then that struggle for existence will occur and survival of the fittest will go in. So that logic, that Darwinian logic is very strong. It happens even in our daily lives, not only in that biological field. So this is, see, if you do not get gate once, maybe you try again harder next time. But I would say don't waste your time. There are many. See, suppose you are doing already a job, and then you want to do, you already have a bachelor's degree, and now you want to do a master's degree. You suddenly think that, oh, मुझे थोड़ा मास्टर्स करने से अच्छा होगा. आपने जॉब करते करते प्रिपरेशन ली, जितना हुआ आपने ट्राई किया, हुआ नहीं, एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, देन डू नॉट अगेन ट्राई बिकॉज दैट विल योर फ्रस्ट्रेशन विल इंक्रीज एंड दैट विल इफेक्ट योर जॉब. सो डू समथिंग सो दैट यू कैन स्टार्ट लर्निंग ऑन द जॉब. एवरी लर्निंग डिड नॉट कम थ्रू अ यूनिवर्सिटी सिस्टम, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दैट समबडी शुड नॉट लूज होप बिकॉज हमें यहां पे सक्सेस नहीं हुआ. नहीं हुआ ठीक है, कभी कभी यू मीन मे नॉट सक्सीड इन एग्जामिनेशन राइट. मुझे तो लगता है मैं तो अभी कोई भी एग्जाम में बैठ जाऊंगा, ये सब गेट फेड में एक भी सक्सेस मैं तो कोई भी एक भी मैंने कुछ भी कर नहीं पाऊंगा. तो अभी जो हालत है देख के लगता है. सो अब दुखी हो जाना इज नेचुरल. लोग समटाइम्स वॉट हैपन्स वी आर पॉसिबली ट्राइंग फॉर थिंग्स विच इज फॉर विच वी वर नॉट कट आउट फ्रॉम द बिगिनिंग. वी वर रियली कट आउट फॉर समथिंग एल्स. इफ आई वुड हैव बीन एन इंजीनियर, आई वुड हैव बीन अ वेरी बैड इंजीनियर. मुझे कुछ नहीं कर पाता हूँ, मुझे आता ही कोई सेंस ही नहीं उस. तो मैं आई एम लकीली आई एम डूइंग अ थिंग फॉर विच आई एम बीन पेड फॉर एंजॉइंग माई सेल्फ. वो बहुत लकी हूं मैं. बट इफ यू आर ट्राइंग एंड यू आर नॉट गेटिंग इन टू द थिंग, आइदर इट इज प्योरली बैड लक और सम लिटिल रीजन यू हैव नॉट गॉट, इट डजेंट से एनीथिंग अबाउट यू. मे बी यू आर एक्चुअली गुड एट इट. देन इंडिया इज नॉट द ओनली प्लेस वेर यू कैन लर्न दिस सब्जेक्ट्स. आई यस अंडरस्टैंड पीपल विल से वो यूएसए में तो अभी बहुत प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को घुसने नहीं दे रहा है, वो हो रहा है. सो व्हाई नॉट ट्राई से AIIT बैंकॉक. सी उमे से क्या थाईलैंड में जाके क्या करेंगे, हम क्या वहां जाके हम थोड़ी AI पढ़ेंगे या डेटा साइंस पढ़ेंगे. नो 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 डोंट थिंक लाइक दैट. दे आर डूइंग प्रेटी वेल. व्हाई नॉट ट्राई टू गो समवेयर इन हांगकॉन्ग, व्हाई नॉट ट्राई नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ सिंगापुर और NTU इन सिंगापुर. दे आर डूइंग प्रेटी वेल इन दीज एरियाज. इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी दैट हमें गेट दे के इंडिया में ही IIT ISc ये सब में पढ़ना. यस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है.
जानना कि मुझे ये नहीं कि ठीक है 2 बार में गेट दे के नहीं हुआ तो मैं खुद ही इतना फालतू, मुझसे कुछ नहीं होना वाला है, ये नहीं है। आपसे सब कुछ होने वाला है। नंबर 1, ये कुछ छोटे मोटे कारण से ये नहीं हुआ है। इट हैज नो बियरिंग ऑन योर इंटेलिजेंस और योर केपेबिलिटीज, सो यू कैन ट्राई एट अदर प्लेसेस अदर देन इंडिया। सेकेंड, अदर थिंग इज दैट 2 बार 3 बार में जब नहीं हो रहा है और यू आर ऑल्सो फीलिंग दैट शायद मैं कर नहीं पा रहा हूं, देन ये भी आपको ऑल्टरनेटिवली सोचना होगा कि एम आई रियली कट आउट फॉर दिस और एम आई कट आउट फॉर समथिंग एल्स। वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। वो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट थिंक अबाउट, दे नहीं, ये डेटा साइंस ही करना होगा। क्यों करना होगा? मुझे तो नहीं मशीन लर्निंग करना नहीं होगा, मुझे तो ऑप्टिमाइजेशन ही करना है। वही मुझे मजा, आई फाइंड फन इन दैट, मुझे मैथ ही करना है। तो ये जो पीपल आर अनेबल टू डिसाइड, वो एक सो वो जो ट्रेनिंग जब लेते हैं लोग आजकल, तो गेट के लिए भी कोचिंग होता है। यस मैं तो कुछ जानता नहीं था कोचिंग कोचिंग गेट का टाइम में। आई वाज एक्चुअली आई वेंट टू हैव फन इन कलकत्ता द डे बिफोर गेट, सो इट वाज जस्ट प्रीटी ओके। सो व्हाट आई थिंक इज दैट इन द कोचिंग, द पीपल हु एक्चुअली कोच फॉर गेट और इवन थ्रू वेबसाइट लाइक इज ए यूट्यूब चैनल्स लाइक योर चैनल्स लाइक द वंस यू हैव दैट, बिकॉज यू आर अ यंगस्टर, यू शुड बी एबल टू कॉन्वे टू द यंगस्टर्स दैट फेलियर इन एग्जाम हैज गॉट नथिंग टू बियर ऑन द केपेबिलिटी और पोटेंशियल एज ए ह्यूमन बींग। एंड एक हो सकता है कि कुछ छोटे मोटे कारण के लिए यहाँ पे नहीं हुआ है, 1 मार्क 0.5 मार्क से, कोई 61 मिला, कोई 60.5 मिला, 61 के ऊपर से कट ऑफ है। अब क्या करोगे? 60.5 और 61 में क्या डिफरेंस? सो दे शुड ट्राई टू थिंक वॉट ऑल्टरनेटिव सोर्सेस टू डू दिस सब्जेक्ट्स। समटाइम्स दे कैन लर्न थ्रू ऑनलाइन मेथोडोलॉजी, लाइक थ्रू एनपीटेल मुक्स, लाइक दिस ऑनलाइन डेटा साइंस प्रोग्राम ऑफ आईआईटी मद्रास। सो ट्राई टू गेट ऑनलाइन एजुकेशन एंड दीज सर्टिफिकेट्स आर एक्सेप्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट इज अ गुड थिंग। प्रॉब्लम इज दैट इफ यू आर रिपीटेडली फेलिंग एंड यू आर ऑल्सो फाइंडिंग इट नॉट कंफर्टेबल, नहीं लोग बोल रहा है, सब बोल रहा है, पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स प्रेशर है, मुझे जाना ही करना ही है, वही करना है, डेटा साइंस करना है, एमटेक लेना ही है डेटा साइंस में, तो मत करो। सोचो कि शायद तुम कुछ और के लिए कट आउट हो, मे बी यू वुड बी द अल्टीमेट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ इंडिया, मे बी यू वुड बी वन ऑफ द फाइनेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ दिस कंट्री, मे बी यू आर इन अ कंप्लीटली रॉन्ग प्रोफेशन। सोच लो। सेल्फ एनालिसिस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट पीपल जम्प, यंगस्टर्स वुड डू दैट नेचुरली, सो दे वुड जम्प फॉर समथिंग विच इज फैशनेबल, विच गिव्स देम अ ड्रीम ऑफ अ सपोजिटली गुड जॉब। आज मैं कॉरपोरेट में रह जाता, जब मैं तो जॉब करने गया था एमएससी के बाद, द फर्स्ट डे आई डिसलाइक द कॉरपोरेट एनवायरमेंट में, अगर अब मैं मुंह सील के रह जाता मैं, तो आई वुड हैव हैड अ वेरी बैड एंड वेरी सैड लाइफ। मैं कितने बार किक्ड आउट होता मुझे पता नहीं, शायद जॉब से भी निकाले दिया गया होता मेनी मेनी टाइम्स। तो मुझे मुझे वो एनवायरमेंट पसंद ही नहीं था। ये सो आई अंडरस्टूड दैट 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 बिकॉज आई टुक दैट ब्रेक एंड वेंट देयर, आई अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एक्चुअली लाइक। सो वंस आई रिटर्न टू द एकेडमिक एनवायरमेंट विद इन फ्यू मंथ्स, तो आई मीन द एकेडमिक एनवायरमेंट आफ्टर दैट आई हैव नेवर लेफ्ट एकेडमिक्स and will not leave academics, of course. So that is the whole thing. This the self-analysis is very important. वो कर लेना चाहिए। माने you might fail twice in gate and you think that no, I understand these things pretty well. Why am I failing? It's not because you are bad, because the system is like that. क्यों वो कट ऑफ कर दिया, इतना लोग इतना हो गया, ये कट ऑफ हो गया। Some people were lucky enough to answer something. वो कुछ एंड सम यू यू वर नॉट, बट मे बी यू हैव मच डीपर आइडियाज अबाउट थिंग्स।
तेरा भाई है सीधे मौत ही बोलू जब मैं लेगी मौत भी ये ब्रेड है सौगी होते कॉकी उड़ते पंचे जरोकी नहीं छोड़ते मौका मौका कॉल आया बोला बॉयज गॉट यू न्यू डील बोला है घर पे पैसे का नो सी